पटना समेत पूरे बिहार में डेंगू मच्छर की चपेट में पिछले दिनों पटना में जलजमाव के कारण महामारी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। पटना के लोग सबसे ज्यादा डेंगू से परेशान थे, उसके बाद चिकनगुनिया की भी शिकायत आने लगी थी। ऐसे में हम जाने कि उसे कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि डेंगू बुखार है क्या। डेंगू बुखार एक बीमारी है जो एडीज मच्छर द्वारा प्रसारित वायरस के संक्रमण के कारण होती है। इन मच्छरों के शरीर पर चीते जैसी धारियां होती हैं। ये मच्छर दिन में खासकर सुबह में काटते हैं। डेंगू बरसात के मौसम और उसके तुरंत बाद के महीनों यानी कि जुलाई से अक्टूबर में सबसे ज्यादा फैलता है, क्योंकि इस मौसम में मच्छरों के पनपने के लिए अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। यह मच्छर बहुत ऊंचाई तक नहीं उड़ पाता है। तो अब हम जानते हैं कि डेंगू मच्छर की सबसे पहले पहचान किसने की थी, इसकी खोज किसने की थी, वर्तमान में कितने देशों में इस बीमारी से लोग प्रभावित हैं। वैज्ञानिकों ने 1906 में यह खोज किया था कि एडीज नामक मच्छर से संक्रमण फैल रहा है। इसके बाद वैज्ञानिकों ने डेंगू नामक वायरस की खोज की। उस समय वायरस से होने वाली यह दूसरी बीमारी थी। इससे पहले पीला बुखार वायरस से होने वाली पहली बीमारी थी। सबसे पहले जोसेफ फ्रैंकलिन और सिलर ने डेंगू के वायरस के बारे में अध्ययन किया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद डेंगू अधिक तेजी से फैलने लगा। डेंगू का यह भीषण प्रहार सबसे पहले 1953 में फिलीपींस में देखा गया था। 1970 आते आते शरीर से खून का बहाव डेंगू बुखार से बच्चों में मृत्यु का कारण बन गया। रक्तस्रावी डेंगू बुखार तथा डेंगू शॉक सिंड्रोम सबसे पहले मध्य तथा दक्षिण अमेरिका में 1981 में देखा गया था। इसके बाद से डेंगू वर्तमान में 110 देशों में अपना पैर पसार चुका है। अब तक हमने जाना कि डेंगू के मच्छर कहां से आए और इस बीमारी की शुरुआत कैसे हुई। अब हम जानेंगे कि डेंगू बुखार फैलता कैसे है। मान लिया जाए अगर किसी डेंगू मरीज को डेंगू वायरस बहुत ज्यादा मात्रा में है। जब कोई एडीज मच्छर डेंगू के किसी मरीज को काटता है तो वह उस मरीज का खून चूसता है। खून के साथ डेंगू वायरस भी मच्छर के शरीर में चला जाता है। जब डेंगू वायरस वाला वह मच्छर किसी और इंसान को काटता है तो उससे वह वायरस उस इंसान के शरीर में पहुंच जाता है, जिससे वह डेंगू वायरस से पीड़ित हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को एडीज नामक मच्छर काटता है तो उसमें ये लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ठंड लगने के बाद अचानक तेज बुखार चढ़ना, डेंगू में 102-103 डिग्री तक बुखार आना आम बात है। सिर, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होना, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द होना जो आंखों को दबाने या हिलाने से और बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा कमजोरी लगना, भूख ना लगना, जी मिचलाना और मुंह का स्वाद खराब होना, शरीर में खासकर चेहरे, गर्दन और छाती पर लाल गुलाबी रंग के रैशेज होना। अब हम जानेंगे कि डेंगू कितने प्रकार के होते हैं। डेंगू 3 प्रकार के होते हैं। क्लासिकल डेंगू बुखार, जिसे हम साधारण डेंगू बुखार के रूप में भी जानते हैं, डेंगू हेमरेजिक बुखार, डेंगू शॉक सिंड्रोम। क्लासिकल डेंगू बुखार, साधारण डेंगू बुखार अपने आप ठीक हो जाता है और इससे जान जाने का खतरा नहीं होता। लेकिन अगर किसी को DHF या DSS है और उसका फौरन इलाज शुरू नहीं किया जाता तो जान जा सकती है। डेंगू हेमरेजिक बुखार, इस तरह के मरीज को नाक और मसूड़ों से खून आना, शौच या उल्टी में खून आना, स्किन पर गहरे नीले काले रंग के छोटे या बड़े चकत्ते पड़ जाते हैं। डेंगू शॉक सिंड्रोम वाले मरीज को बुखार में DHF के लक्षणों के साथ साथ शॉक की अवस्था के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे मरीज बहुत बेचैन हो जाता है और तेज बुखार के बावजूद उसकी स्किन ठंडी महसूस होती है। मरीज धीरे धीरे होश खोने लगता है। मरीज की नाड़ी कभी तेज तो कभी धीरे चलने लगती है। उसका ब्लड प्रेशर एकदम लो हो जाता है। कौन सा टेस्ट कराएं जब लगने लगे कि तेज बुखार है? तो किसी डॉक्टर की सलाह से डेंगू का टेस्ट करा लेना चाहिए। डेंगू की शुरुआती जांच एंटीजन ब्लड यानी कि NS1 के नाम से जाना जाता है। अगर किसी इंसान को डेंगू है तो शुरुआती जांच में यह ज्यादा पॉजिटिव आता है। प्लेटलेट्स की भूमिका, डेंगू बीमारी के दौरान एक चीज है जिसका सबसे ज्यादा जिक्र होता है, लोग बार बार पूछते हैं उसका प्लेटलेट्स कितना है। तो आज हम जानेंगे कि जब किसी व्यक्ति को डेंगू मच्छर काट ले तो उसमें प्लेटलेट्स का क्या महत्व है। आमतौर पर स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 1.5 से 2 लाख प्लेटलेट्स होते हैं। प्लेटलेट्स बॉडी में ब्लीडिंग रोकने का काम करते हैं। अगर प्लेटलेट्स 1 लाख से कम हो जाए तो उसकी वजह से डेंगू हो सकता है। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि जिसे डेंगू हो उसकी प्लेटलेट्स नीचे हो जाए। प्लेटलेट्स अगर 1 लाख से कम है तो मरीज को फौरन अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए, किसी अच्छे चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। इलाज, डेंगू बुखार के बारे में जब आपको पता चल जाए तो आप घबराएं नहीं, एलोपैथ में इस बीमारी का इलाज है। एलोपैथ की दवाई डेंगू के लक्षण को देखकर और प्लेटलेट्स का ब्लड टेस्ट कराने के बाद ही दी जाती है। लेकिन किसी भी तरह के डेंगू मरीज के शरीर में पानी की कमी नहीं होना चाहिए। उसे खूब पानी और तरल पदार्थ जैसे नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी आदि पिलाएं ताकि ब्लड गाढ़ा ना हो और जमे नहीं।
आयुर्वेद में इसकी कोई पेटेंट दवा नहीं है, लेकिन डेंगू ना हो इसके लिए यह नुस्खा अपना सकते हैं। एक कप पानी में एक चम्मच गिलोय का रस, अगर इसकी डंडी मिलती है तो 4 इंच की डंडी ले, 2 काली मिर्च, तुलसी के 5 पत्ते और अदरक को मिलाकर पानी में उबालकर काढ़ा बनाएं और 5 दिन तक लें। अगर चाहे तो इसमें थोड़ा सा नमक और चीनी भी मिला सकते हैं। दिन में 2 बार, सुबह नाश्ते के बाद और रात में डिनर से पहले। बीमारी के दौरान इन बातों का खास ख्याल रखें। ठंडा पानी ना पिए, मैदा और बासी खाना ना खाएं। खाने में हल्दी, अजवाइन, अदरक, हींग का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। हल्का खाना खाएं जो आसानी से पच सके। पूरी नींद लें, खूब पानी पिए और पानी को उबाल कर पिए। मिर्च मसाले और तला हुआ खाना ना खाएं। भूख से कम खाएं, पेट भर ना खाएं, खूब पानी पिए। छाछ, नारियल पानी, नींबू पानी आदि खूब पिए। कीवी फल खाएं, पक्का पपीता खाएं, हो सके तो कच्चे पपीते का भुजिया बनाकर खाएं। मरीज को मच्छरदानी के अंदर रखें ताकि मच्छर दूसरों में बीमारी ना फैलाए। जूते, मोजे, लंबी पैंट और लंबे बाजू के शर्ट पहने। बीमारी हमारे आसपास रखी हुई वस्तुओं में पानी जमने से फैलती है। हमें अपने आसपास के पानी वाले वस्तुओं पर विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, जिसे हम सीरियसली नहीं लेते हैं। हर दूसरे दिन गमलों और कटोरों में पानी बदले। गमले में पानी के लिए रतीले दानेदार कीटनाशक का प्रयोग करें। जिन बर्तनों में हम पानी रखते हैं ज़रूरत नहीं रहने पर उलट दें। घर की नालियों और पानी निकासी के रास्तों को साफ रखें, उसमें कीटनाशक का छिड़काव करते रहें। अगर आप छुट्टी में घर जा रहे हैं तो घर में सभी मंजिल पर नालियों के द्वार को जाल से सील करें, सभी टॉयलेट की सीट को ढक। तो आइए अब हम जानते हैं उन लोगों की राय जो इस बीमारी से उभर चुके हैं। हाय, देखिए आप लोग, मैं बिहार से हूँ। 1 सप्ताह पहले मुझे भी डेंगू हुआ था। मैं बहुत पीड़ित था डेंगू से। मुझे थोड़ा सा कमजोरी फील हुआ था शुरू में, बट 1 सप्ताह के बाद ये अपने आप ठीक होने वाली बीमारी है, जो आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप रोज़ पानी का सेवन करते रहें। आप दिन भर में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और नारियल पानी का सेवन करें, और ज़्यादा से ज़्यादा चीकू खाएं। जिसमें लिक्विड ज़्यादा हो वो फल खाएं, जिससे आपको शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। और ये 1 सप्ताह के अंदर अपने आप ठीक हो जाने वाली बीमारी है, इसमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। घबराए नहीं, खूब पानी पिए, नारियल पानी पिए, संयम रखें। ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। डेंगू ऐसे कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है, उतना भी कोई भारी बीमारी है नहीं। तो लोग सिर्फ घबराहट से लोग परेशान होके उनको आगे दिक्कत हो जाती है। इसमें घबराना नहीं चाहिए। बस मैं यही बोलूँगा कि आप इस डेंगू में की कोई दवा तो होती नहीं है। डॉक्टर बोलते हैं कि डेंगू की कोई दवा नहीं होती, सिर्फ पारासीटा फीवर आए पारासीटामोल खाइए, और जितना भी आपको प्लेटलेट बढ़ाने की चीज़ें जैसे डव, कीवी और बकरी का दूध और पपीता और पपीता के पत्ते का रस और गिलोय, एक गिलोई होता है, गिलोई का रस या उसके चाय बना के पीने से आपका प्लेटलेट बढ़ता है। तो इस तरह से हम डेंगू मच्छर से अपना बचाव कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। धन्यवाद।